स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। बनने वाले Are you serious? मैं पापा बनने वाला हूँ। तेरे लिए भी खुशखबरी है, मेरे लिए भी खुशखबरी है, जीविका के लिए खुशखबरी है, चाचा चाची की खुशखबरी, माँ सबकी खुशखबरी। लेकिन लेकिन प्रमोशन तो मेरा हुआ है ना। अबे चाचा तू बनना, लेकिन बाप तो मैं बन रहा हूँ। ये बताओ, जब से आप जब को ये पता चला कि आप पापा बनने वाले हो, कैसा लग रहा? यार फीलिंग तो बहुत ही अमेजिंग है। ठीक हो? ब्लड, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। ठीक है, इस वक्त अपने कमरे में सो रही होंगी यार, रिलैक्स। क्यों, सब ठीक है? अपने कमरे में? हाँ, अपने कमरे में। थैंक गॉड दी ठीक है। यस, तुम्हारी दी ठीक है, चलो सो जाओ। मिसेस वडेरा, इट्स डन। नर्स, मैम को चेंज करवा दो। मिस्टर वडेरा? जी डॉक्टर। प्रोसेस पूरा हो गया है। जीविका ठीक है, वो थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे। okay. और इसके बाद का केस डॉक्टर राहुल हैंडल करेंगे। थैंक यू। वेलकम। Yeah.
वडेरा ये मिसेस वडेरा के लिए कुछ मेडिसिन है, तो उसके साथ इन्हें रेस्ट की भी जरूरत है जी। लेकिन इस वक्त इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है जो इन्होंने खोया है उस तकलीफ से उभर पाना, फिजिकल से ज्यादा मेंटल स्ट्रेन हैंडल कर पाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी की बातें मैं आपको फोन पे बता दूंगा। ऑलराइट, टेक केयर। मेरे लिए ना सही, अपने लिए ना सही, आने वाले वीआईपी छुटकू बोले तो हंसो, तो हंसो। घर चले जीविका, कब तक यहां रुकेंगे? कभी ना कभी तो घर जाना ही होगा ना। जीविका प्लीज ऐसे चुप मत रहो, कुछ तो कहो। जीविका प्लीज एटलीस्ट मुझसे बात तो करो, अगर तुम ऐसे खामोश होगी तो नहीं संभाल पाऊंगा अपने आप को मैं। जीविका, जीविका, देखो मेरी बात सुन। आपने जो जो कुछ भी किया किसी की जिंदगी बचाने के लिए किया, प्लीज इस तरह बेजान मत रहो। प्लीज जीविका मुझसे बात कर। तुम्हारे अंदर जो जान पड़ रही है उसका ख्याल रखना होगा। मिसेस वडेरा, इट्स डन।
वैसे जीविका तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि एक्चुअली वो हमारी एक बेटी हो जो बिल्कुल तुम्हारे जितनी खूबसूरत हो। दिन भर बैठ के तुम दोनों की पेंटिंग बनाऊंगा। और अगर हमारा लड़का हुआ तो? अगर लड़का हुआ तो उसे भी पेंटर बना दूंगा। हम दोनों बैठ के तुम्हारी पेंटिंग करेंगे। विराट, जिंदगी में हर चीज मिली बस सिर्फ पापा का प्यार नहीं मिला कभी। लेकिन मैं अपने बच्चे को इतना प्यार दूंगा कि उसे इस कमी का एहसास कभी ना होने पाए। भी खानी है ना वो तुम खाली पेट थोड़ी खा सकती हो। वैसे थोड़ा सा नाश्ता कर लो। तुम कमजोर नहीं पड़ सकती वरना तुम मानवी को बोन मैरो कैसे दोगे। थोड़ा सा खा लो। मैं देखिए तो मानवी को भाभी से मिलना है। लेफ्ट हाँ लेकिन राइट। मानवी की आंखें क्यों बंद? क्या वो क्या रहा है? राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट बंद क्या रहा? मनु तेरी आंखें बंद क्यों हैं? क्योंकि आज सुबह आंखें खुलते ही सबसे पहले मैं अपनी दी का चेहरा देखना चाहती थी। 1000 में मेरी प्यारी दी। देखा आपकी 400 वॉट की स्माइल है ना, इसके सामने सारी दुनिया की स्माइल्स घुटने टेक देती है। दी, आपकी इतनी प्यारी स्माइल के पीछे मुझे परेशानी छुपी हुई दिख रही है। दी, कोई प्रॉब्लम है? मैं समझ गई। मैंने आपको इतनी परेशानी में डाला इसलिए ना, मुझे पता है जब छुटकी बाहर आएगी ना तो वो भी अपनी मासी को इतना सुनाएगी ना कि मासी आप मम्मा को इतने परेशान क्यों करती हो, क्यों इतना तंग करती रहती हो। मुझसे गिन गिन के बदले लेगी दी, छोड़ेगी नहीं मुझे। मानवी इतनी बातें मत करो, थकावट हो जाएगी। चलो रूम में चलो। और तुम्हारी ट्रिप कहाँ है विराट? वापस लेके जा रूम में। चलो अरे जा विराट रूम में ले जा। दरअसल बात क्या है कि जीविका कल रात को सोई नहीं ना, इसलिए थोड़ी थकी हुई है। तुम लोग चलो, मैं जीविका को वहीं लेके आता हूँ। कोई नहीं जीजू। दी आप आराम करो, मैं जाती हूँ। बाय बाय छुटकी। बाय जीजू। हाय। इंदर, हम कब से कादंबरी को ढूंढ रहे हैं। तुम्हें पता है कि वो
क्या हुआ इंदर? बहुत खोए खोए हो? कोई मन की परेशानी? परेशानी नहीं, हैरानी है। वीरेन जैसा काबिल लॉयर जो शायद ही कभी कोई केस हारा हो, इतना आसान केस, जबकि सब कुछ जीविका के पक्ष में ही था, फिर भी क्या इंदर? जीविका और वीरेन का पलड़ा इतना भारी था, किसी भी हालत में उनकी जीत पक्की थी। रैन मौके पर इस तरह वो लोग पीछे क्यों हट गए? क्यों अपना हाथ खींच लिया? सोचने वाली बात है। वीरेन जी, घर वालों से इतनी बड़ी बात छुपाना ठीक नहीं है, हमें जाकर उन्हें बता देना चाहिए। जीविका, अगर ये बात हमने किसी को बता दी तो हो सकता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट रुक जाए। लेकिन फिर जी, मानवी के अलावा सबको तो बता सकते हैं ना? लेकिन ये रिस्क लेके क्या फायदा? अगर बाय चांस मानवी को इस बात की भनक पड़ जाती तो ये ट्रांसप्लांट कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जीविका, जो बलिदान हमने दिया है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। आप ठीक कह रहे हो वीरेन जी, मैं भी किचन होकर आती हूँ। जी देखो, तुम फिजिकली वीक हो, डॉक्टर ने भी कहा तुम्हें आराम करने के लिए, प्लीज आराम कर। लेकिन वीरेन जी, अगर मैं ऐसे ही रूम में बैठी रही तो घर वाले क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे, मैं सबसे कह चुका हूँ कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी खराब है, सब समझ आएंगे। माँ आइए ना। कैसे हो जीविका? जीविका, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने बहुत अहम होते हैं, ये समय माँ और बच्चा दोनों के लिए बहुत मायने रखता है, इसीलिए मेरी दोस्त कविता ने अपने हाथों से बनाकर खास तुम्हारे लिए ये गोंद के लड्डू भेजे हैं। कहते हैं इससे बच्चे का विकास जल्दी होता है और ये तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छे हैं। चख के देखो। जीविका? माम, माम लड्डू लाइए ना, मैं बाद में खिला दूंगा। दरअसल बात क्या है कि उसने अभी ब्रेकफास्ट किया। आप लाइए। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ बेटा, पिछले कुछ समय से तुम काफी तनाव से गुजरी हो, पर जीविका इस वक्त तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आराम की जरूरत है। बैठ जाओ। वीरेन जी, मैं घर वालों के अरमानों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। ठीक है, एक बार ट्रांसप्लांट हो जाए तो हम खुद जाके सबको बता देंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।